हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 34। इस बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस बुक में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड आपका टारगेट बस केवल रेलवे ही है, तो इसकी वैकेंसी देखिए कब आने वाली है। मुझे शायद इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। आज तारीख हुई है फिलहाल 4 दिसंबर। तो फ्रेंड, जब भी आएगी वैकेंसी, वैकेंसी के भरोसे मत बैठिए कि वैकेंसी आएगी तभी मैं तैयारी करूँगा, तभी मैं एग्ज़ाम में जुटूँगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आने के बाद में आप पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कॉम्पिटिशन्स का लेवल बहुत हाई हो चुका है। जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उसको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो फ्रेंड, शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। और इस वीडियो को शुरू करने से बस पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस बुक को अपने पास में रखिए। जो जो पॉइंट मैं आपको आज हाईलाइट करवाने जा रहा हूँ, वो पॉइंट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये सभी पॉइंट काफ़ी बेसिक पॉइंट हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये कि पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक की परत होती है आपकी शोभ मंडल। सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की, अगर आपसे बात ये करेगा एग्जाम में, आपसे इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा शोभ मंडल। शोभ मंडल से संबंधित मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत तो है ही, हमको पता है इसके बारे में, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता रखना है कि एक ऊंचाई होती है विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला, इसी मंडल से एक पॉइंट और बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप याद रखना कि क्या होता है कि इस परत में ये जो शोभ मंडल, जो ये लेयर है, ये परत है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, कम होता है। तो कितने मीटर पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछता है। तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी हो जाती है, जिसे बोलते हैं क्या, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ये तो इंग्लिश में कहा जाता है, अगर बात करिए हिंदी में तो इसको बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। गॉट इट? अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मौसमी संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, बादल बनना, आंधी आना, तूफान आना, वर्षा आना, ये सभी एक्टिविटी जो होती हैं, ये सभी क्रियाकलाप होते हैं आपके शोभ मंडल में। वीडियो की लेंथ शायद बढ़ने वाली है अगर मैं एक पॉइंट पे इतना डिस्कस करूँगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझको लगा कि आपको बताने चाहिए। अगला पॉइंट है पानीपत का फर्स्ट वॉर जो हुआ था, वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट है धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट, बीसीजी का टीका तपेदिक के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है। लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। चार मीनार हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। सन 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। और ट्रेन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इस बुक के पहले या दूसरे पेज में आपको मिल जाएंगे। मतलब पहले या दूसरे वीडियो आप वॉच करिए, वहाँ पे आपको इससे संबंधित सभी जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी आप एक बार देख कर जाना एग्जाम में जाने से पहले। अगला पॉइंट है भारत में श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। और मलेरिया का परजीवी प्लाजेमोडियम होता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के संचित निधि से दिया जाता है उनको। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन पर मीटर। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहा जाता है। और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। और 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। तो ये इसका क्या है, उपनाम, क्या, 7 टापुओं का नगर। नेक्स्ट, कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये है आपका इंग्लैंड में। अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है आपका क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट।
गोबर गैस संयंत्र द्वारा मिथेन गैस उत्पन्न होती है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और एक पुरस्कार है आपका ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार क्या होता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में आपका होता है कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार। वंदे मातरम सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सनैलिटी ने नेतृत्व करा था, मतलब कि युद्ध कैसे हम लोग करेंगे, क्या नीति रहेगी, रणनीति जो डिज़ाइन करी थी अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यक्ति ने करी थी। बात कर रहे हैं यहाँ पे बिहार की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में जो ये नेतृत्व करा था इस युद्ध का, तो वो करा था कुंवर सिंह ने। उसके बाद आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि दिल्ली जो केंद्र रहा था 1857 का, उसके विद्रोही नेता कौन थे? कभी कभी आपसे एग्जाम में विद्रोही नेता नेतृत्व तो ये वर्ड यूज़ करता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए दिल्ली का नेतृत्व करा था आपका बहादुर शाह द्वितीय ने, और विद्रोह की तिथि यहाँ पे रही थी आपकी 11 मई 1857। बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में दो पर्सनैलिटी थे, पहले थे नाना साहेब और तात्या टोपे, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। और 5 जून 1857 में यहाँ पे विद्रोह की तिथि रही थी। और यहाँ पे आपसे कॉलिन का नाम पूछ लेता है, कॉलिन कैंपबेल। तो ये पर्सनैलिटी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था अंग्रेजों की तरफ से, राइट। अब हम बात करते हैं झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो कॉमन सी बात है 1857 का जो लिंक है वो लक्ष्मीबाई के साथ में है, तो ये था इनका केंद्र झांसी। देखिए 1857 एक्चुअली एक ऐसा फेज है कि इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ने को इसमें बहुत कुछ है, और बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट भी है और कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं भी है। तो अब हम ये करते हैं कि यार कितना पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए आपको लुसेंट जीके की बुक को उठाना है, और साथ में इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जीके की जो लुसेंट नीली वाली बुक है उसके कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। वो बुक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके पास टाइम है, उस बुक को आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी वीडियो को वॉच करते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें और उन सबको याद करें। देखिए विद्रोह का आरंभ, वैसे मुझको बताना नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो की लेंथ शायद इस बुक की बढ़ सकती है, तो शायद मुझे स्किप करना चाहिए और बढ़ना चाहिए मुझे आगे। चलिए बता देना थोड़ा सा। देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या करा था? बैरकपुर छावनी में बहुत बड़ा विद्रोह किया था, और 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह स्टार्ट करा। और उसके बाद में क्या हुआ कि 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। तो ये जो स्टैंडर्ड जो वर्ड हैं, ये जो स्टैंडर्ड जो डेट है, मंथ है, ईयर है, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी आएगा मज़ा, तभी बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाने से पहले। बिना पढ़े अगर आप सोच रहे हैं कि यार ठीक है मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो जमाने गए, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी, तो वो पहले की बातें हैं, ठीक है। अब ये चल रहा है 2017 का एंड, आने वाला 2018, कॉम्पिटिशन्स, कट ऑफ, जनरल कोटा, एससी, ओबीसी वगैरह वगैरह क्या क्या फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बिना पढ़े अब बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। आगे बढ़ता हूँ फिलहाल मैं, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि अंतारा, एक मिनट, ये था हमारा, हाँ, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, और प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था राज्यपाल के बारे में, शायद आपको याद होगा राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए। राज्यपाल के साथ में मैंने आपको राष्ट्रपति भी जोड़ा था, दोनों की वर्ष बिल्कुल सेम होती है उम्र, शायद आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो अगर कमेंट बॉक्स आपको इनेबल मिलता है, डिसेबल नहीं मिलता, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको उसका आंसर भेजेंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसी बहाने अपना रिवीजन करिए। साथ में मैंने आपको राज्यसभा लोकसभा बताया था, तो वो भी रिवीजन कर लीजिए, अपने आप को याद करिए यार मैंने पढ़ा था तो क्या था उसका आंसर। ऐसा नहीं कि आगे बढ़े पिछला भूले, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो यह है आपके राजस्थान में, और कौन सी नदी से पानी मिलता है इस नहर को? तो ये मिलता है सतलुज और ब्यास नदियों से। WWW का तात्पर्य क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। मृदा का अध्ययन क्या कराता है? पेडोलॉजी। और शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रैक्टोज। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल है। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 1951 में, कहाँ पर? पंजाब में। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सेंटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, पेज नंबर 102 पे। तो देखिए बल, कार्य, ऊर्जा का जो विमाएँ हैं, ये विमाएँ आप याद रखना है इसको,
पॉज कर लीजिए। उसके बाद धातु और उसके अयस्क, लोहे का जो अयस्क होता है वो होता है आपका मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, तांबा होता है कॉपर पाइराइट एंड मेलेकाइट, सोडियम चिली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम बोरैक्स साधारण नमक। अगला है कोबाल्ट, कोबाल्ट का मतलब स्मेल टाइट। अब हम बात करते हैं आधार अधिकतम न्यूनतम। तो जनसंख्या के आधार पर अगर ये जनगणना हुई थी 2011 में, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में होती है ये आपको पता होगा, लेकिन बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिकतम जो जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश की, सबसे कम जो है वो है सिक्किम की। जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय की, कम है आपका नागालैंड की। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका बिहार और ये। तो आप इन सब में से सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, ये तीन चीज़ें जरूरी याद करनी है। मैंने सभी को हाईलाइट इसलिए करा है क्योंकि कोई भी रिस्क मत लो आप एग्जाम में जाने से पहले। अगला है आपका मंडल आयोग का गठन हुआ था 1979 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स ने लिखा था, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन को इब्राहिम लिंकन ने कहा था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीम उल्लाह खां। और सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और वर्धता रोगी को लाल वे हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। रेडॉन को छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता ने की थी, और पुस्तक एक है आपकी गाइड, इसके राइटर कौन है? आर के नारायण। कनाडा जो है देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा जो देश है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? उसका राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। देखिए सबसे जो भयंकर जो तरंग होती है अल्फा बीटा गामा, इनमें से कौन सी होती है? एग्जाम में आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस जो तरंग होती है वो होती है आपकी गामा। आपने शायद एवेंजर मूवी देखी होगी, एवेंजर मूवी में वो कहते हैं कि गामा किरण निकलने वाली है, तो शायद काफ़ी बच्चों को पता होगा। एवेंजर मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब एक्शन मूवी भी है वो, तो वो मूवी है एक्चुअली हॉलीवुड की, तो ये हिंदी में डब भी है वो। तो वहाँ पे उसमें आपने देखा होगा कि गामा किरणों को कंट्रोल करने के लिए कैसे कैसे मतलब कि टास्क करते हैं, उसके अगेंस्ट कैसे काम करते हैं, क्या उनकी प्लानिंग होती है। तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई नॉलेज मिल सकती है। अगर आपने मूवी और नहीं देखी है तो एग्ज़ाम के बाद में माइंड फ्रेश करने के लिए 2-3 दिन के लिए एक भरपूर मूवी देखना, जिससे कि माइंड फ्रेश हो सकता है और भरपूर अपनी नींद भी लेना है आपको। तो कुछ सिलेक्टेड मूवी है आपको देखनी चाहिए। फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, मूवी से भी बहुत हो गया। अमरीका गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1863 को हुई थी। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। कैंसर का अध्ययन कहलाता है आपका ऑन्कोलॉजी। और विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता है सलमान रश्दी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? सक संवत पर आधारित है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। लेम्यूनस दाल मतलब दलहन में पाया जाता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था शुरू, मतलब स्टार्ट हुआ था। अब देखिए महात्मा गांधी का जो भी फेज है, कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए साइड में। महात्मा गांधी का फेज, इम्पॉर्टेंट डेट, विटामिन, सौर मंडल, कांग्रेस से संबंधित जो भी अधिवेशन हुए हैं वो, तो कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में जाने से पहले पढ़नी चाहिए, उससे संबंधित एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है वो। आगे बात करते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये राइटर, ये पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित कब करा गया था? तो ये करा गया था 1997 में। रविंद्रनाथ टैगोर को कब किया गया था सम्मानित? बुकर प्राइज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं बात कर रहा हूँ नोबेल पुरस्कार से, वो करा गया था 1913 में। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? उनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि जो मार्केट में जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1911 में, 2 वर्ष बाद उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बुकर पुरस्कार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं बच्चों, मुझे पता है कि कुछ लोग बुकर प्राइज को ऐड कर लेंगे अपने माइंड में और मुझे कमेंट करेंगे सर वो पुरस्कार बुकर नहीं था, वो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार था। तो मैं बात उससे की कर रहा हूँ क्योंकि लोग छोटी सी गलती को पकड़ के बैठ जाते हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से मैं भी सावधान रहना चाहता हूं और आप भी सावधान रहिए, उनकी बातों में प्लीज़ मत आइएगा। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 माह होता है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है और वॉलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायन से होता है। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था और
का पार्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एल्युमिनियम का प्रमुख है इसका आपका बॉक्साइट, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित हुआ था और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। ऊंचाई बढ़ने में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं बैंक की स्थापना वर्ष। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में, इंपीरियल बैंक 1921, आईसीआईसी बैंक 1994, एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। बात करते हैं सामाजिक पत्र प्रकाशन, द टाइम्स, गार्डियन या डेली मेल, तो ये समाचार पत्र कौन से देश से संबंध रखता है, तो ये है आपका लंदन का, डॉन है आपका कराची का, डेली न्यूज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूयॉर्क का, द टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया का, भारत का। अगला है आपका पेज नंबर 104 और इसमें इम्पॉर्टेंट है पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। कुकिंग गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। कुकिंग गैस मतलब एलपीजी गैस से बात कर रहे हैं, और कुकिंग गैस में जो स्मेल आती है जिससे आपको ये चलता है पता कि इसमें सिलेंडर हमारा लीक हो रहा है घर का, फटाफट आप लोग लाइट बंद कर देते हैं, सिलेंडर को बाहर रख देते हैं खुले आसमान में, तो ये जो स्मेल आती है स्मेल एक्चुअली उसमें अलग से ऐड करी जाती है जिससे कि घर में रहने वाले व्यक्ति को पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है, सचेत हो जाए, तो वार्निंग गैस भी बोलते हैं उसको। उसका गैस का नाम है मरकैप्टन, ठीक है, ये आपको पता होगा मुझे लगता है पहले से, काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू मतलब बोलते हैं इजी क्वेश्चंस आज के टाइम पे, ये काफ़ी वर्ड चल रहा है लड्डू क्वेश्चंस, तो मुझे नहीं पता था पहले कि ये क्वेश्चन, ये लड्डू एक्चुअली होता क्या है, तो लड्डू क्वेश्चंस का मतलब होता है काफ़ी इजी क्वेश्चंस, तो ये रियल में काफ़ी लड्डू क्वेश्चन था। बात करते हैं आगे, जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। तीन संगीतज्ञ मतलब 3 म्यूजिशियंस पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर समय लेता है। देखिए एग्जाम में ना कभी कभी हो सकता है कि आपको 88 डेज दे, देखिए एग्जैक्ट जो लगते हैं वो लगते हैं 88 दिन, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको 90 दिनों का ऑप्शंस भी देता है, तो आपको 88 और 90 डेज दोनों ही याद करने हैं। उसके बाद में शुक्र को लगते हैं आपके 224 दिन समथिंग लग जाते हैं उसको। अब हम उसके बाद में बात करते हैं उपग्रह की संख्या, ये आप लिख लीजिए साइड में, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या किसकी है, तो वो है आपकी बृहस्पति की। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। मैं बढ़ता हूँ आगे क्योंकि एक ही लाइन में मैं आपको 15-20 चीज़ें ऐड नहीं करना चाहता, और कुछ मेहनत आप भी करिए, बुक को उठाइए, देखिए सूर्यमंडल चैप्टर क्या क्या कहता है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था मालूम है आपको, मुंबई में। शैवालों का अध्ययन होता है आपका फाइकोलॉजी, और क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या होता है, गैलिया एपोनियोरेटिका। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा को पंडित रविशंकर ने क्या करा है, इसको म्यूजिक दिया है, संगीत बद्ध किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। पनामा नहर को फर्डिनेंड डी लेस्पस ने बनाया। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरी देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है आपका टोकोफेराल, क्या, टोकोफेराल। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। और खाना जब पकता है एक आंच पे आग पर तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो होता है आपका विटामिन सी। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, विटामिन सी गैस पे पकते समय। वुड का डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और दक्षिण का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा गया। विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 1.852 किलोमीटर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को
कब फांसी लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 23 मार्च 1931 को। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी, और गुरु तेग बहादुर एक पर्सनैलिटी हैं, आपने इनका नाम सुना ही होगा पक्का। और इनकी हत्या कौन से शासक ने करवाई थी? तो वो कराई थी औरंगजेब ने, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बन चुका है, तो इसलिए मैंने आपको एक बार बताना बेहतर समझा। आगे बात करते हैं, कोपा अमेरिका का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है, और लॉर्ड लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अब हम बात करते हैं थोड़े से सेंटर में, देखते हैं इस पेज पे क्या क्या है जो ग्रीन से मैंने हाइलाइट कर रखा है। प्रमुख देश, उनके राष्ट्रीय खेल, भारत का हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है, ब्राज़ील का फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल, मलेशिया का बैडमिंटन, भूटान का है तीरंदाजी, रूस का है शतरंज। बात करते हैं जनजाति, एस्किमो जनजाति पाई जाती है कनाडा में, बुशमैन कालाहारी में, निग्रो अफ्रीका में, बोरो ब्राज़ील में, रेड इंडियन उत्तरी अमरीका में। प्राचीन नाम, फॉर्मोसा का प्राचीन नाम है आपका ताइवान, जायरिया का कांगो, बर्मा का म्यांमार, मेसोपोटामिया इराक, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका होता है आपका नामीबिया। और संसद, अफगानिस्तान की संसद को बोलते हैं सोरा, ब्रिटेन कनाडा पार्लियामेंट, भारत संसद, जापान डाइट, इसराइल नेसेट, रूस ड्यूमा, जर्मनी बुंडस्टैग, मिस्र पीपल्स असेंबली, और मलेशिया दीवान निगारा। पेज नंबर 105, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? रुड़की में स्थापित है, और मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र का सुझाव मोहम्मद इकबाल ने दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, और भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था। रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ कब हुई थी? 1941 में। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों, ये जो गीत है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था कवि प्रदीप ने। देखिए, आपका कोई अगर फ्रेंड है तो उसका नाम याद कर लीजिए, उस फ्रेंड ने, मतलब प्रदीप फ्रेंड ने आपके गाना लिखा है, ये गीत लिखा है जिसका नाम है ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो। याद आया? आ जाएगा याद। चलिए बढ़ते हैं, आपका कापाड़ का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस में सबसे अधिक खिताब जीतने वाला भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस। वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था, और फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, अगला जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो है कि फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अनुच्छेद 21A निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। और चाय और कॉफ़ी में जो एक्टिव जो घटक होता है, सक्रिय घटक होता है, वो होता है आपका कैफीन। देखिए, कॉफ़ी में कैफीन होता है, आई नो, चाय में निकोटीन होता है, स्मोक में जो आप स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं उसमें भी निकोटीन होता है। तो मैक्सिमम आप देखिएगा एग्जाम में, आपको अगर चाय के साथ में कैफीन मिलता है तो आप उस पर टिक लगाएंगे, अगर निकोटीन होगा तो आप उस पर टिक लगाएंगे एग्जाम में अपने। तो आपको यहाँ पे भी कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सार का 8वां सदस्य कौन है? तो वो है आपका अफगानिस्तान। अगला पॉइंट हमारे सामने कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो है आपका ब्राज़ील। और आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और सत्यमेव जयते ये जो शब्द है ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का लिखित प्रिंटिंग मतलब करी गई है, उसका वर्णन किया गया है। और विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल शासकों ने। वन मोर ओवर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है ई प्रसन्ना की आत्मकथा। 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर बात करी जाए चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी कनिष्क के काल में। तीसरी चौथी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिए बुक के साइड में, इसी के नीचे लिख लीजिए चाहे तो, फोर्थ कनिष्क।
रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुक की प्रिंटिंग हुई थी 1911 में। एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और मर्क कैप्टन, जो गैस में स्मेल आती है जिससे आपको ये पता चलता है कि गैस लीक हो रही है, सिलेंडर लीक हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर लीक हो रहा है, तो उसमें मिलाई जाती है आपकी मर्क कैप्टन गैस। अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूँगा मैं, शायद आप उसका मुझे रिप्लाई करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी उम्मीद तो मैं हर वीडियो में करता हूँ और कमेंट आप लोगों के आंसर बहुत कम आते हैं मुझे, कि जो सिलेंडर होता है, भरे हुए सिलेंडर का टोटल वेट कितना होता है? जी हाँ, भरे हुए सिलेंडर का टोटल वेट कितना होता है? अगर आपको कमेंट बॉक्स इनेबल मिलता है तो मुझे इसका रिप्लाई प्लीज़ जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं राजधानी के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। राजस्थान जयपुर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला। और एपी ईटानगर, मेघालय शिलोंग, गोवा पणजी, तेलंगाना हैदराबाद, दमन और दीव दमन, लक्षद्वीप कावरत्ती, पांडिचेरी, दिल्ली नई दिल्ली। आगे, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितने मीटर पर सेकंड होती है? वायु में होती है 332 मीटर पर सेकंड, जल में, समुद्र में, लोहे में। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इन सबको याद कर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, ये आपके रेलवे के एग्जाम से भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्टेट पी सी तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर वन जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिएगा। फ्रेंड, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। रही बात कमेंट्स की, जो मैंने आपसे सिलेंडर का वेट पूछा, भरे हुए सिलेंडर का वेट कितना होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसको सर्च करिए विकिपीडिया में, आपको आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। और बहुत जल्द मैं अपने कमेंट्स को परमानेंटली, हमेशा के लिए, हर एक वीडियो के डिसेबल करने वाला हूँ कमेंट्स, क्योंकि 1000 कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ तो उसमें से केवल 4 या 5 ही मुझे लगते हैं कि हाँ जर्मन है। अब इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद में 4-5 कमेंट्स को पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा मुझे पढ़ते समय खर्च करना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि उस टाइम को यूटिलाइज करूँ आपके लिए एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड